अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न किसी भी कंसल्टेंट से करवाते हैं तो उससे ये चार डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना कभी ना भूलें। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वीडियो में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस और नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। क्योंकि ये चार डॉक्यूमेंट्स आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से कलेक्ट करेंगे तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं हो सकता। पहला डॉक्यूमेंट ये है कि उससे आप टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिमांड करें ताकि आपको पता चले कि आपकी रजिस्ट्रेशन हुई भी है या नहीं हुई। दूसरे नंबर पर आप उससे टैक्स प्रोफाइल की PDF कॉपी मांगें और वहां से आप चेक करें कि वहां पर आपके टैक्स कंसल्टेंट ने आपका फोन नंबर दिया है और आपका ईमेल दिया है या किसी और का दिया है। ये दो आप चीजें लाजमी चेक करें। और इसके साथ साथ आप अपना एड्रेस चेक कर सकते हैं। अगर बिजनेस एंटीएम बनवाया है, आप बिजनेस नेम देख सकते हैं, बिजनेस एड्रेस देख सकते हैं और बाकी डिटेल भी आपके सामने आ रही होगी। अगर आपने अपना एंटीएन जानना है तो इसी डॉक्यूमेंट में होगा, रेफरेंस नंबर के नाम से लिखा हुआ होगा, वो आपका एंटीएन होगा। तीसरे नंबर पर आप टैक्स रिटर्न की कॉपी उसे डिमांड करें ताकि चेक करें कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वही डॉक्यूमेंट्स में नजर आ रही है। टैक्स कंसल्टेंट ने कहीं ब्लैंक सबमिट तो नहीं कर दी या कहीं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो सबमिट नहीं कर दी, ये आप वहां से चेक कर सकते हैं। और वहां से आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी टैक्स रिटर्न जो है सबमिट हुई है या नहीं हुई, उसकी सबमिशन डेट भी वहां पर आ रही होती है। कंप्लीट टास्क में भी IRS में जाकर आप देख सकते हैं। इसी तरह टैक्स रिटर्न की कॉपी के साथ साथ आपने एक्टिव स्टेटस का प्रूफ भी डिमांड करना है। एक्टिव स्टेटस की PDF कॉपी भी लेनी है और उसके ऊपर आपने डेट चेक करनी है और एक्टिव स्टेटस चेक करना है। फोर्थ नंबर पर जो आपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है वो है टैक्स की CPR। अगर आपने कोई टैक्स पे किया है, इवन के ATL चालान पे किया है, उसकी CPR डिमांड करें, कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट, ताकि पता चले आपको कि जमा हुआ है या नहीं हुआ। इवन के कई इस तरह की कंप्लेन आती हैं कि आप टैक्स पे कर देते हैं कंसल्टेंट को, कंसल्टेंट आगे पे नहीं करता, फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देता है। तो टैक्स की CPR आप लाजमी डिमांड करें, कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट जो कि ऑनलाइन भी वेरीफाई हो सकती है। ऑनलाइन वेरीफाई किस तरह होती है, एक्टिवेटर्स किस तरह आप चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में अपने चैनल पर बताई हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह के अपडेट्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही हाफिज मोहम्मद काशिफ को इजाजत दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज। अगर आप डबल टैक्स, टैक्स नोटिसेस, ऑडिट और किसी तरह की भी पेनल्टी, फाइन या सरचार्ज से बचना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। किसी भी वक्त घर बैठे अपने गोशवारे जमा करवाएं, टैक्स और वक्त दोनों बचाएं। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल एक बाइतमाद और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जो पूरा साल टैक्स से वाबस्ता हर खबर आप तक पहुंचाता है। और आप एक्सपर्ट्स के जरिए कहीं भी और किसी भी वक्त बिजनेस, कंपनी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, FBR और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारी सर्विसेज के लिए अभी WhatsApp नंबर 03417763776 पर रابطہ करें।